जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कैंपस। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 51% डाउन है। लगभग हमने 3 महीने पहले डिस्कस किया था कि इसमें लगभग 250 के लगभग इसमें आने की पॉसिबिलिटी थी, तो दोस्तों उन्हें लो लगाया, 240 के लगभग लो लगाया, वहीं पे बाइंग टीआरसीपी बन चुके हैं। अगर ब्रेकआउट करता है तो उसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो देखते हैं किस तरह से उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, एक किस तरह से प्राइस एक्शन को, मतलब चार्ट को अप्रोच देने का तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करेंगे। कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरी जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, 2024 के लिए बेस्ट स्टॉक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, आईटी सेक्टर का है, उसके बारे में डिस्कस किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से अपन यूज़ में करते हैं, उसमें स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ में की जाती है, उसके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एकुमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये कैंपस का, बाद में इसका थोड़ा फंडामेंटल भी देखेंगे। कैंपस का अगर ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन एक चीज देखते हैं कि इसमें देखिए एक होता है कि डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, ठीक है। अब तो डाउन ट्रेंड में अगर अपन हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि डाउन ट्रेंड, अगर 5 सेकंड का अपने पास टाइम है और अगर इसमें बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में जब लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न चलते हैं, तो वहां पर अगर लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तब इसका ट्रेंड चेंज होता है। तो दोस्तों अभी की अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो लोअर टॉप पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, ये लोअर टॉप पैटर्न है। तो अगर मैं सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, पहली चीज। अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग टीआरसीपी बना हुआ, आपके कैंडलस्टिक पैटर्न का समझ है, तो उसमें अपने को इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए और इसका रेजिस्टेंस कहां है। रिवर्स भी हो सकता है, टॉप से लगभग मान के चलो 51% के लगभग डाउन है, तो कहां तक इसमें ऊपर की तरफ आता है, जैसे एक पैटर्न भी बन सकता है। कौन सा पैटर्न बन सकता है? राउंडेड बॉटम पैटर्न भी इस तरह से बन सकता है, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों ट्रेंड का होता है, एक पहले हमने डिस्कस किया था कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है लंबी यात्रा करने वाला होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल कई स्टॉक का दूंगा कि लंबी यात्रा करनी हो तो, देखिए लंबी यात्रा करनी हो तो इस तरह से 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाना चाहिए। हम साइंस में पढ़ते हैं कि 45 डिग्री के एंगल्स के हिसाब से अपन कोई वस्तु दूर तक फेंकते हैं तो वो, मतलब फेंकते हैं तो दूर तक जाती है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है साइंस में, अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक को ऊपर की तरफ लंबी यात्रा करनी होती है, देखो हम हर जैसे किसी को लंबी यात्रा मतलब मैराथन करनी है, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होती है, तो 21 किलोमीटर की करनी है तो वो तुरंत दौड़ते ही स्प्रिंट नहीं मारेगा दोस्तों, ठीक है, वो धीरे 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 जाएगा। अगर 100 मीटर जानना है तो 100 मीटर में वो स्प्रिंट मारेगा। तो इस तरह से अब ये होता है, अब साइकोलॉजी वो यहाँ यहाँ लगा लीजिए, अगर किसी स्टॉक को लंबी यात्रा करनी है तो वो धीरे 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 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाएगा और लंबी यात्रा करेगा। और किसी को मान लीजिए 100 मीटर जाना मतलब जल्दी जाना, जल्दी जाके वापस नीचे आना है, तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते थे कॉमन सेंस लगा के कि ये देखो इसमें ऊपर की तरफ किस तरह से अपर सर्किट टाइप के, अपर सर्किट तो नहीं थे लेकिन बहुत ही इस तरह से 90 डिग्री के लगभग जा रहा था, तो ये यहाँ पर एक साइकोलॉजी पॉइंट था कि नीचे आने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो ये कॉमन सेंस होता है, आप हर स्टॉक में कभी आप देख लें, क्लीन साइंस में, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, लेटेंट व्यू में, कई स्टॉक में आप देख सकते हो कि उसमें ऐसा ही मूवमेंट था। और दूसरा एक ऐसा मूवमेंट उसमें था, कैंपस हैप्पीएस्ट माइंड में अच्छा रिटर्न दिया था, 300 के लगभग बाइंग बनी थी और 1500 के लगभग जाके वहां से रिवर्स हुआ, तो अभी तक रिवर्स ही चल रहा है, वो नीचे की तरफ चल रहा है मतलब। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसमें देखिए पहला ट्रेंड किस तरह से होगा, देखिए ट्रेंड की बात करें तो इस तरह से होना चाहिए, पहली कंडीशन 45 डिग्री का एंगल, फिर बाद में टॉप लिया, एक बॉटम लिया, ऊपर वाला टॉप क्या हायर टॉप, हायर टॉप, और ये बॉटम लिया है तो आप बॉटम के ऊपर वाला बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन अप ट्रेंड में हो, ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। फिर आता है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में किस तरह से होता है, जैसे दोस्तों इस तरह से डाउन ट्रेंड होते हैं। डाउन ट्रेंड में अपने एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप, ये लोअर टॉप, ये लोअर टॉप, ये लोअर बॉटम था तो ये लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलेंगे। अब इसको एक चीज और देखिए, ये तो अपने टेक्निकल लैंग्वेज में हो गया, अपन देसी भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये अपन छत है घर की,
और यहाँ से इस तरह से जाते हैं, तो ये मान के चलो इस तरह से एक पैर ऊपर एक नीचे इस तरह से रहता है। अब यहाँ पर कोई अपने आ जाते हैं, तो अपने यहाँ पर घूम रहे हैं, तो अपने का अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते, किसी को दूसरा इंसान घूम रहा है तो कोई नीचे कब आएगा कोई पता नहीं लगा सकते। नीचे कब आएगा इसका कैसे पता चलता है, जब मान लीजिए वो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पहले जो सीढ़ी थी ना, मतलब छत से ऊपर नीचे वाली, नीचे वाली की वो सीढ़ी थी उस पर पैर रखेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। उसी तरह से ही प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, तो वो लोअर टॉप सॉरी लोअर हायर बॉटम पैटर्न को, हायर बॉटम पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद में जिस तरह से डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आने के बाद में क्या होता है दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ आ गया, तो यहाँ आने के बाद में अगर उसको अब मान लीजिए छत नीचे आ गए हम, तो अगर वापस बोल दे कि वापस छत पे जाना है तो क्या करेंगे, इधर नम इधर इधर मुंह था तो वापस इसको अपन टर्न करेंगे, टर्न करके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ अगर हमने टर्न तो कर लिया लेकिन ऊपर वाला जो यहाँ पर होगा, मतलब जो पहले लास्ट वाली सीढ़ी थी उसके ऊपर की तरफ अपन ब्रेकआउट करेंगे ना, मतलब ब्रेकआउट का मतलब पैर रखेंगे, तो टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकआउट हो जाएगा और पैर रखते ही अपने को पता चल जाएगा कि इसका ये ऊपर जाना चाहता है, तो वहाँ ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसको आप इस तरह से कनेक्ट करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन देखते हैं, ये देखिए इस तरह से डाउन ट्रेंड ये चलिए, ये देखिए अब इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, अभी तक इसमें कोई भी ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये देखो दोस्तों ट्रेंड चेंज यहाँ होगा, मैं आपको बता देता हूँ ये जो प्राइस कौन सी चल रही है, प्राइस चल रही है लगभग 325 है, ठीक है 325 मान लीजिए, 325 ध्यान से सुनिए, 325 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा, पहली कंडीशन। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट हो भी गया तो ये आपको इस तरह से नहीं जाएगा, ये बाद में धीरे कंसोलिडेट हो गए फिर जाएगा, एक बार इसने यात्रा कर ली है लंबी तो वापस आ गया, तो लगभग मतलब 2-4 महीने तो अभी इसी रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। जो रिस्क थोड़ा ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ आए निकल सकते हो, या फिर तो अगर जो ब्रेकआउट करे कि मैं तो स्टॉक लेते ही बाद ऊपर की तरफ जाए, उनको अभी तक नहीं लेना। जो पहले से इन्वेस्ट है उनके लिए क्या करना है, पहले से इन्वेस्ट है इतने दिन रह गए, पहली बात तो यहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लेना था। अगर जिसको ये बोला कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हूँ मेरे को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 10 साल तक किस तरह से ही हो, तो वो बने रह सकते हैं, उनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला वैसे भी, क्योंकि 1.5 साल हो गए, 1-2 साल मतलब एक दो अगर 6 महीने और कंसोलिडेट हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा उनके। तो इस तरह से आप देख सकते हो, सही मेरा कहने का मतलब है अपने को एंट्री सही जगह लेनी है और प्रॉफिट बुकिंग करना है, जिस तरह से सीडीओ से ऊपर जाते हैं वापस आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो एक बार। और जैसे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक होते हैं, अब आपको देख एक चीज़ है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, अभी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, तो ये कैपिटल आप कब से नवंबर 2023 से आप दूसरी जगह लगा सकते थे, ठीक है 23 नहीं है दो ये है हाँ ये 2022 है 22 है, तो लगभग 1 साल हो गया, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये कैपिटल आप दूसरी जगह लगा सकते थे इसको, ठीक है इस कैपिटल को दूसरी जगह लगा तो वहाँ से रिटर्न बहुत ही अच्छा। मैं आपको स्टॉक बताते हूँ, अरविंदो फार्मा, लुपिन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, दूसरे स्टॉक में बहुत ही पॉलीकेप, इनके बाद में 6 महीने से उन्होंने डबल हो चुके, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने कैपिटल को डिप्लॉय करते हो। तो इस तरह से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो अभी तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, 325 जो ये लेवल दिख सके इसमें वहाँ ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि 5-6 महीने इस रेंज में भी रहने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं कि बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी की होती है। देखिए बाइंग टीआरसीपी, देखो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, उसको देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं हैमर, बहुत ही शानदार है, मेजर सपोर्ट है, ब्रेकआउट ये इस तरह से ब्रेकआउट भी हो रहा है, यहाँ डेली वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए कि देखो मंथली टाइम फ्रेम में एक बार भी यहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी नहीं बना और ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पर एक बार बना था और कौन सा बुलिश हरामी पैटर्न बना था लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ था, यहाँ वापस बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग ये बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है तो इसका ब्रेकआउट कब होगा दोस्तों, 306 के लगभग होगा। तो हमने जो लोअर टॉप पैटर्न इसका देखो दो चीज़ें हो जाएगी, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में टीआरसीपी का ब्रेकआउट हो जाएगा, दूसरा यह 325 पर यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। हम देखेंगे 200 मूविंग एवरेज का तो पहले ही हो जाएगा, 306 ये भी आप लेवल देख सकते हो एक बार, पहला आपको सिग्नल यहीं से मिल जाएगा 306 जो बहुत ही नज़दीक, अभी प्राइस चल रहा है 294 के लगभग, तो ये 316 का सॉरी 6 के ऊपर बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो जाएगा।
और वहां पर ट्रू इंडेड मूविंग एवरेज भी आएगा, वो अभी देखेंगे। और यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न का जो मतलब ट्रेंड चेंज होगा वो 325 के लगभग होगा। इस तरह से इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका फंडामेंटल बिजनेस मॉडल देख लेते हैं किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। दोस्तों फुटवेयर इंडस्ट्री जैसे रिलैक्सो, जैसे बाटा इंडिया, सॉरी बाटा इंडिया, जैसे एडिडास है, इस तरह की ये सारे मतलब सब जगह की सब फुटवेयर इंडस्ट्री से सब जो रबड़ की बनाते हैं वो सब भी चप्पल जूते सब बनाते हैं, ठीक है। एथलेटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं आपको इसका थोड़ा सा देखो बिजनेस दिखा देते हैं। देखो कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड वाज द, ये सितंबर 2008 में स्टार्ट हुई थी, इज वन लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स फुटवेयर ब्रांड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम, ठीक है, बहुत ही है। और अलग अलग वेरायटी मिल जाती है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरायटी ऑफ फुटवेयर लाइक रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल फ्लोट स्लीपर स्लिप स्लोप सैंडल अवेलेबल इन द मल्टीपल कलर स्टाइल एंड अफोर्डेबल प्राइस पे। इसके दोस्तों जूते भी आते हैं, आपने देखे होंगे, मतलब कॉस्ट इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं, मतलब नॉर्मली 1000 लेकिन 1500 के लगभग आपको अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे रनिंग के शूज या कुछ इस तरह से। आप इसकी साइट पे जाके भी देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी के ये स्टॉक इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे चप्पल जूते। अब देखिए इसमें एक कम करते हैं, इसका मार्केट कैप कितना है, 9015 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस क्या है, 295 है। हाई गया इसका 425 है, लो गया 238 है। इस देखो 238 इसका लो गया, हमने डिस्कस किया था 250 के लगभग। स्टॉक पी है 87 है। आरओसी इसका 23 है और 23% है। आरओई इसका 38% है। फेस वैल्यू इसकी 5 है। अब देखिए इसमें क्या है, मेट्रो ब्रांड भी है, रिलैक्सो फुटवेयर है, बाटा इंडिया, ये सब इसमें लिबर्टीज की। क्वार्टरली रिजल्ट देखते, क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों। देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट जून का, सितंबर का देखिए इसका कितना, मार्च का 347 है, बाद में 353 है, बाद में 258 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 291 है, बाद में 287 है, बाद 234 है। इसका एक्सपेंडिचर तो कम हुआ, लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत ही कम आया, मतलब कम क्या आया, हालत ख़राब है इसकी। नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट है इसका 22 करोड़ का था, बाद में 31 हुआ। अभी देखो तो इसमें नेगेटिव में है। तो अब हो सकता है कि अगर इस क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ जाता है, इंप्रूवमेंट आता है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है दोस्तों। देखो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही डाउन है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है, फिर भी इसके प्राइजेक्शन में अपन देखेंगे तो थोड़ा सी मूवमेंट दिखाई दिया। तो किस वजह से दिया, इसको आप जैसे कोई भी अगर बड़ा पैसा होता है, बड़े बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब FIs और DIs होते हैं, वो अगर बाइंग करेंगे तभी प्राइजेक्शन में दिखेगा, वो उनको कुछ ना कुछ दिखता होगा फंडामेंटल में। ये देखिए, फिर बाद में अपन बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देखिए इसका है 153 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व इसकी बात करें तो 440 है, बाद में बोरोइंग कर्जा इसका 327 है, और अदर लाइबिलिटीज़ है 1171 है। तो इसमें और कर्जा अर्जा तो ज़्यादा नहीं है कंपनी के, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट इतनी ख़राब नहीं है। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो प्रमोटर के पास में बहुत ही अच्छा पॉइंट है, प्रमोटर के पास होल्डिंग है 74%, FIs के पास में 9 है, और DIs के पास में 4% है, और पब्लिक के पास में भी इसमें देखिए 12% है। अभी बाइंग बनी है इसमें, पब्लिक ने जो वहाँ पर बाइंग करनी थी वहाँ पर अच्छी बाइंग की भी है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। अब जैसे कैंपस का अगर आपको साइट पर जो देखना है तो मैं आपको साइट भी बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत इसकी साइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो। कैंपस के हर मतलब के किस स्टार्टिंग हो जाते हैं 599 से, इसके हर ब्रांड के देखिए, इसमें मेन के लिए, वुमेन के लिए, किड्स के लिए, कलेक्शन सेल, कॉरपोरेट सब इसके मिल जाते हैं। आप इसकी साइट पे जाके विजिट कर सकते हो, अप टू 50% ऑफ, जन इसमें अभी ऑफ भी चल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हो कि इसके ये जो जूते भी ठीक आते हैं इसके, और भी इसमें आप देखें, मतलब सभी चप्पल जूते सब आते हैं इस पे, साइट पे आप देखे जाके विजिट कर सकते हो किस तरह से इसके शूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका अपन चार्ट पे वापस आ जाते हैं। चार्ट पे अपन ने देखा था कि बाइंग TRCP बुली सरामी पैटर्न बन रहा है, हैमर नहीं है, बुली सरामी पैटर्न है ये, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर देता 300, मान लीजिए 326 है तो 310 मान लीजिए, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करेगा। दूसरी बात है यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज अपन देख लेते हैं किस तरह से वो काम कर रही है।
ट्रू इंडेट मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो देखो ट्रू इंडेट मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करेगा 313 है, तो 313 का ब्रेकआउट होगा तो इसमें देखो लोअर टॉप पैटर्न अपन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए लोअर टॉप पैटर्न ये रहा, तो लोअर टॉप पैटर्न को और ट्रू इंडेट मूविंग एवरेज को एक साथ ब्रेकआउट करेगा तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। और यहाँ पर प्राइजेक्शन हो जाएगा, प्राइजेक्शन यही हो जाएगा अपन देखेंगे, मतलब पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइजेक्शन ही आता है, उसके बाद में आपके इंडिकेटर के ट्रू इंडेट मूविंग एवरेज बाद में पैटर्न ये बाद में होता है, प्राइजेक्शन से आपको मंथली टाइम फ्रेम में अगर कोई बाइंग टीआरसी मिलता है तो वो अच्छा काम करना ही है उसको दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। और फिर बाद में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेंगे ये भी देख ले, रेजिस्टेंस किस तरह से ब्रेकआउट हुआ है तो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, बाद में देख सकते हो कि रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे। ये देख पहले तो ये तो रेजिस्टेंस यही आपको ये मिल जाएंगे, ये रेजिस्टेंस है इसके सारे। और फिर बाद में अपन देख सकते हैं कि यहीं पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपन यूज में करते हैं, तो यहीं कहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा होगा। देखिए यहाँ से आप टॉप से लगाएंगे बॉटम में लगाएंगे, तो ये लगा दिया तो इसका देखो ये यहाँ पर 23% का रिट्रेसमेंट है, वहीं पर क्या आ रहा है लोअर टॉप पैटर्न आ रहा है। फिर बाद में देखो यहाँ पर आएगा ये थोड़ा सी ऊपर, इस तरह से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आप लगा के देख सकते हो प्रॉपर इसमें, नहीं वो अच्छी मतलब इसके रेजिस्टेंस है, ये देखो ये अच्छा काम करेंगे इसमें, ये रेजिस्टेंस है वो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। केपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज में हमने डिस्कस किया था दोस्तों 7 महीने पहले, तो उसमें जो प्राइस थी उसमें 665 था, और अभी हमने बाद में डिस्कस किया था कि 1000 के लगभग जा सकता है, और अभी वो ट्रेड कर रहा है 1365 के लगभग। तो अच्छा एनालिसिस आप हो सकता है, कई स्टॉकों में हमने अच्छा किया, वो 100% एक्यूरेसी नहीं रहती किसी की, लेकिन अगर आपको एनालिसिस ठीक है उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल थोड़ा सी देख सकते हो, और टेक्निकल चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो, वीडियो अच्छा लगा हो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो एनालिसिस आते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।